हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। गणेश स्टडी कंसेप्ट में मैं मासुदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। सबसे पहले दोस्तों, जोधपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जोधपुर का स्थापना दिवस है दोस्तों। आप सभी की डिमांड लगातार आती रही कि मैम राजस्थान कला व संस्कृति भी शुरू कर दीजिए, तो आज के दिन का महत्व देखते हुए और विद्यार्थियों की बेहद मांग को देखते हुए मैं राजस्थान कला और संस्कृति शुरू करने जा रही हूँ। और आज जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वह आज के दिन से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। कला और संस्कृति में आपके राजस्थान के प्रमुख दुर्ग टॉपिक है, उसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेहरानगढ़ के बारे में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जिसे आप जोधपुर का किला भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो ये कि मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के प्रसिद्ध चीतर पत्थर से निर्मित है, जिसे लाल पत्थर भी कहा जाता है, लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से है? चीतर पत्थर के नाम से जाना जाता है। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह भारत के मानचित्र के समान दिखाई देता है, मेहरानगढ़ का किला। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके निर्माता के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्माता। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 12 मई 1459 ईस्वी को। उस दिन था शनिवार। किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया? राव जोधा द्वारा। अब आप चाहें तो इसे राव जोधा के काल में भी लिख सकते हैं, राव जोधा द्वारा भी लिख सकते हैं। लोक मान्यता की बात कही जाए और ख्यात साहित्य की बात कही जाए तो उसके अनुसार क्या लिखा गया कि इस दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई? करणी माता के द्वारा रखी गई। करणी माता का मंदिर देशनोक में है। करणी माता चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। करणी माता का मूल नाम ऋतुबाई था। अब जब ये दुर्ग बनाना था या जब दुर्ग का निर्माण शुरू हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि पहले यह दुर्ग मसूरिया पहाड़ी पर बनना प्रस्तावित था, लेकिन पानी की कमी के कारण यह दुर्ग कहाँ पर बनता है? पचेटिया पहाड़ी पर बनता है। यानी इसकी अवस्थिति जब हम पढ़ते हैं या इसकी लोकेशन पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलेगा कि यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? पचेटिया पहाड़ी पर। पचेटिया पहाड़ी को ही दूसरा नाम दिया जाता है, चिड़िया टोक पहाड़ी। दोनों एक ही दोस्तों, अलग अलग अन्य नाम से आप पढ़ सकते हैं। चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा बताया गया कि जब महाराज के सैनिक यानी राव जोधा के सैनिक इस पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत बड़े तपस्वी चिड़ियानाथ जी तपस्या कर रहे थे। सैनिकों ने जबरदस्ती उन्हें उनके स्थान से हटाया, जिससे चिड़ियानाथ जी दुखी हो जाते हैं या चिड़ियानाथ जी नाराज हो जाते हैं। और चिड़ियानाथ जी ने राव जोधा को श्राप दिया, उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में पानी की कमी होगी, और दूसरा श्राप ये दिया कि तुम्हारा दुर्ग अजय नहीं होगा। यह सुनकर राव जोधा परेशान हो उठे। उन्होंने दुर्ग को अजय बनाने का तरीका ढूंढने की कोशिश की और उन्हें ये पता चला कि जिस दुर्ग में किसी व्यक्ति की जीवित बलि दी जाती है तो वह दुर्ग क्या होता है? अजय होता है। इसलिए इस दुर्ग की नींव में किसकी बलि दी जाती है? राजा रामजी मेघवाल की बलि दी जाती है। राजा रामजी मेघवाल ने स्वेच्छा से बलि दी थी दोस्तों। इनका बलिदान भी काबिले तारीफ है। इन्होंने जीते जी अपनी बलि दे दी या जीवित बलि दी, वो कौन है? राजा रामजी मेघवाल। अब ये तो हो गई नींव अवस्थिति। अब हम पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम। देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि किसके अनुसार है? कुंडली के अनुसार। कुंडली के अनुसार इस दुर्ग का नाम क्या आया था? गढ़ चिंतामणि। ऐसा बताया जाता है कि जब यह दुर्ग बनकर तैयार हो गया उस समय एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस यज्ञ में एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी। एक ब्राह्मण जिसका नाम अज्ञात है,
उस ब्राह्मण का धधकता हुआ कलेजा निकाल कर लाते हैं और उसकी आहुति दी जाती है। उस ब्राह्मण को देवता के समतुल्य माना गया। ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर में स्थित है, यह इसका नाम है। एक तो कुंडली के अनुसार गढ़ चिंतामणि। दूसरा हम पढ़ते हैं, अन्य नाम में ही पढ़ेंगे। अन्य नाम में पहला है गढ़ चिंतामणि और दूसरा आपके आता है कागा मुखी। कौवे के मुंह के समान कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। एक्चुअली दुर्ग निर्माण में एक टेक्निक यूज जाती है। वह दुर्ग जो आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा हो उसे क्या कहा जाता है? कागा मुखी कहा जाता है। इस प्रकार का अपने आप में यह एक ही दुर्ग है, इसलिए इसका नाम क्या है? कागा मुखी। फिर इसका एक नाम हम पढ़ते हैं मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है मेहरानगढ़ का किला। ये इतने सारे अन्य नाम हैं। फिर उसके बाद देखिए अन्य नाम में हम और पढ़ते हैं मयूर ध्वजगढ़ के अतिरिक्त मेहरानगढ़ का और क्या नाम है। मेहरानगढ़ नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। मेहरानगढ़ नाम के लिए कहते हैं तो बताया गया मिहिर। मिहिर एक शब्द है, मिहिर मतलब सूर्य। सूर्य वंशियों ने राज किया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मिहिर या मेहरानगढ़ रखा गया। अगर हम फारसी भाषा के शब्द की बात करते हैं मेहरान, तो जिसका अर्थ होता है सूर्य। जोधपुर को सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मेहरानगढ़ हो गया। क्लियर है? मिहिर सूर्यवंशियों के लिए, सूर्यवंशियों ने राज किया है इसलिए मिहिर कहा गया, और मिहिर से आपका क्या बन गया है? मेहरान। और फारसी भाषा का मानेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा? सूर्य का नगर। तो सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है हमारा जोधपुर शहर। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा शहर? जोधपुर शहर। दोस्तों दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया, लेकिन दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण राव मालदेव के समय करवाया गया या राव मालदेव द्वारा करवाया गया। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किसकी देन है? मालदेव की देन मानी जाती है। तो ये हुए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसकी अवस्थिति, फिर उसके बाद हमने पढ़ा अन्य नाम। अब हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में प्रसिद्ध वक्तव्य या कथन, जो स्टेटमेंट मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए दिए गए हैं। देखिए उसमें सबसे पहले एक इतिहासकार का नाम आता है जिनका नाम है रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? रुडियार्ड किपलिंग ने क्या कहा? फरिश्तों और परियों द्वारा निर्मित दुर्ग। आप लिख सकते हैं परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित। देवताओं द्वारा निर्मित भी लिखा हो तो टेंशन मत लीजिएगा, वो भी एक ही बात है, फरिश्तों द्वारा निर्मित। परियों और फरिश्तों द्वारा, देवताओं देवात्माओं द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? जोधपुर का मेहरानगढ़। ऐसा कौन कहते हैं? रुडियार्ड किपलिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों रुडियार्ड किपलिंग के बाद कर्नल टॉड की बात करते हैं। कर्नल टॉड की बात यदि कही जाए तो कर्नल टॉड ने क्या कहा था कि इस दुर्ग किसे जोधा के बेटे अपनी हुकूमत पर आधिपत्य रख सकते हैं। जोधपुर का किला भी अपनी जालीदार झरोखे खिड़कियां महलों के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नल टॉड ये कहते हैं कि इस दुर्ग से जोधा के बेटे अपनी हुकूमत पर आधिपत्य रख सकते हैं। यह कथन किसका है? कर्नल टॉड का। जैकलिन कैनेडी की बात की जाए तो जैकलिन कैनेडी ने इसे आठवें आश्चर्य की संज्ञा दी है। मेहरानगढ़ दुर्ग को आठवें आश्चर्य की संज्ञा किस साहित्यकार या किस विद्वान के द्वारा दी गई, तो वो कौन है? जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ने इसे आठवें आश्चर्य की संज्ञा दी है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन या वक्तव्य है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थल। देखिए अब प्रमुख स्थल जब आप पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें द्वार हैं, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, हवेलियां, महल या छत्रियां, जो भी है वो सारे आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि जोधपुर का किला अगर
देखा जाए ऊपर से हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, भारत के मानचित्र की तरह दिखाई देता है। ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये इस तरीके से आपका जे एंड के से बनेगा, फिर ये इस तरीके से और फिर इस तरीके से। तो ऐसी स्थिति है किसकी, जोधपुर के मेहरानगढ़ की। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप एंटर होते हैं या इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लोहा पोल। लोहा पोल यहाँ से हम दुर्ग में प्रवेश करते हैं और इस दुर्ग के पास यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यहाँ पोल के पास, यहाँ पर 31 महिलाओं के हथेलियों के निशान मिलते हैं। वो 31 हथेलियों के निशान दोस्तों किसके हैं, वो महिलाएं जिन जो क्या हुई थी, सती हुई थी, उन महिलाओं के हथेलियों के निशान हैं। कितनी महिलाएं हैं, 31 महिलाएं। जोधपुर दुर्ग में स्थित यदि आप द्वार की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लोहा पोल है, जय पोल है, अमृत पोल है, ध्रुव पोल, राव जोधा का फलसा, ये सब क्या है, द्वार के नाम है। इसके अलावा फतेह पोल भी आपको देखने के लिए मिलेगी, कहां पर, यहां पर। फिर इसमें लोहा पोल से आप प्रवेश करते हैं तो आगे जाकर आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है एक छतरी बनी हुई है यहां पर इस तरीके से, पेंटोप जिसको आप बोलते हैं। ये छतरी किसकी है, धन्ना भीमा की छतरी। धन्ना भीमा की छतरी, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या था, मामा भांजे थे, तो आप ये भी कह सकते हैं ये क्या है, मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी कहाँ पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर चलते हैं तो देखिए एक यहाँ पर भी ऐसी छतरी बनी हुई है, ये है आपके कीरत सिंह सोडा की छतरी। कीरत सिंह सोडा की छतरी यदि आपसे पूछी जाती है तो कीरत सिंह सोडा की छतरी भी किस दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक मस्जिद, इस तरीके से बना देते हैं हम सिंबल। ये मस्जिद है, इसका नाम है सूरी मस्जिद। सूरी मस्जिद शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित, शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अपना अधिकार किया था, याद कीजिए दोस्तों 1544 गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो होता है जिसमें मालदेव के सेनापति लड़ रहे थे, उस युद्ध में विजय किसको मिली थी, शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, वो मस्जिद कौन सी है, सूरी मस्जिद है। यहाँ पर एक मजार है, बूरे खान की मजार। बूरे खान की मजार किस किले के अंदर है, इसके अंदर है। फिर हम पढ़ते हैं क्या है, जहूर खान की मजार, ये भी किस दुर्ग के अंदर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ पर आप पढ़ते हैं एक मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ये पताका फहरा रही है, ये मंदिर है आपके किसका, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, ध्यान रखिएगा मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, सभी राठौड़ों की नहीं है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है, चामुंडा माता। चंड और मुंड नामक दो राक्षसों का देवी ने संहार किया, इसलिए देवी का नाम क्या पड़ा, चामुंडा। चामुंडा माता हमारी आराध्य देवी है और इनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सितंबर 2008 में यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए और इस घटना की जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। इस घटना को नाम दिया गया मेहरानगढ़ दुखांतिका। इस चामुंडा माता के मंदिर के अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है, वह मंदिर है नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता जो हमारे मारवाड़ के राठौड़ वंश की कौन है, ये हमारी कुल देवी है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर भी कहाँ है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में। लेकिन इनका मूल मंदिर यदि पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, नागाणा गांव बाड़मेर में स्थित है ये मंदिर है। बाकी
और भी मंदिर हैं दोस्तों बने हुए, जिसमें बता देती हूँ आपको और कौन सा मंदिर है। तो एक आनंद जी धन जी का मंदिर आपको मिलेगा, मुरली मनोहर जी का मंदिर मिलेगा आपको देखने के लिए, कहाँ पर, बहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके दो जल स्रोत बने हैं, एक का नाम है रानीसर और एक का नाम है पदमसर। ये क्या है, जल स्रोत बावड़ी कुएं टाइप जो है आपके बने हुए, इसमें पानी है। ये पहले दुर्ग के बाहर थे, जब मालदेव ने प्रकोटे का निर्माण किया तो ये फिर उसके अंदर आ जाते हैं। तो रानीसर का निर्माण कौन करवाते हैं, राव जोधा जो हैं, उनकी वाइफ का नाम था हाड़ी रानी जसमादे। हाड़ी रानी जसमादे ने रानीसर का निर्माण करवाया और राव गंगा की पत्नी का नाम था पद्मावती। राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने किसका निर्माण करवाया, पदमसर का निर्माण करवाया। कुछ पुस्तकों में सेठ पदमचंद के नाम पर पदमसर का निर्माण लिखा मिलेगा आपको, बट इतिहास में ये सोर्स लिखा हुआ है कि ये राव गंगा की पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रमुख तोपों के बारे में। यहाँ बहुत सारी तोपें भी हैं, प्रमुख तोपें हैं, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इधर से मिटा करके। तो देखिए यहाँ पर जो प्रमुख तोपें हैं उनके नाम बताते हैं। प्रमुख तोपें हैं जिसमें एक तो है आपके गजनी खान, किलकिला, शंभुवान, कड़क बिजली, धुर धानी, बगस वाहन। ये कुछ तोपों के नाम है जो यहाँ पर प्रसिद्ध तोपे हैं। ये है बहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जिसमें इतनी सारी चीजें आपके स्थित हैं या इतने सारे स्थल स्थित हैं। दोस्तों अभी मेहरानगढ़ खत्म नहीं हुआ है, कल हम फिर से पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित स्थल और इससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।